रूस के लिए 3 नवंबर एक डोगी के बलिदान के रूप में दर्ज है, जिसने स्पेस मिशन में अहम भूमिका निभाई थी। हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष की सैर करने वाली दुनिया की पहली डोगी लाइका की, जिसे आज से करीब 70 साल पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस स्पेस मिशन का मकसद था अंदाजा लगाना कि अंतरिक्ष में इंसान को भेजना कितना सुरक्षित है। सोवियत ने 3 नवंबर 1957 को डोगी लाइका को स्पुटनिक 2 स्पेस शिप में बिठाकर धरती से मीलों दूर अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस स्पेस शिप का साइज लगभग वॉशिंग मशीन जितना था। प्रीमियर निकिता सुखदेव के अनुरोध पर 7 नवंबर 1957 को रूस की बोल्शेविक क्रांति की 40वीं वर्षगांठ के मौके पर एक मिसाल बनाने के लिए स्पेस में स्पुटनिक 2 भेजने का प्लान बनाया गया। मानव रहित और बिना कुत्ते वाले स्पुटनिक 1 के आधार पर ब्लूप्रिंट्स के बिना काम करते हुए टीमों ने एक स्पेस शिप बनाने के लिए तेजी से काम किया, जिसमें एक कुत्ते को भेजा जा सके। इस मिशन के लिए सोवियत के 9 रिक्रूटर्स ने आवारा फीमेल डॉग की तलाश की, जो छोटी और काफी शांत स्वभाव की हो, ताकि वो इस छोटे से स्पेस शिप में ज्यादा दिनों तक रह सके। लाइका एक 6 किलो वजन की छोटी शांत स्वभाव वाली मिश्रित नस्ल की लगभग 2 साल की डोगी थी। वो उन कई स्ट्रीट डॉग्स में से एक थी जिन्हें सड़कों से बचाए जाने के बाद रूसी अंतरिक्ष प्रोग्राम में ले जाया गया था। स्पुटनिक 2 ज्यादा बड़ी स्पेस शिप नहीं था, इसीलिए लाइका को छोटे छोटे पिंजरों में रखकर खुद को जिंदा रखने की ट्रेनिंग दी गई थी। डॉक्टर्स ने एयर प्रेशर के बदलाव होने से लेकर ज्यादा आवाज होने पर लाइका के स्वभाव पर काम किया था। हालांकि स्पुटनिक 2 के लॉन्च से पहले लाइका काफी डर गई और सहमी हुई थी। उसकी धड़कन सामान्य से 3-4 गुना तेज था। उसे नॉर्मल होने में करीब 3 घंटे का समय लगा था। लाइका ने भयानक गर्मी, तंग जगह, भूख और ऑक्सीजन की कमी से जूझते हुए अपने घर से लगभग 3200 किलोमीटर दूर जाकर अपने देश के लिए जान दे दी थी। उसने 130 मिनट तक पृथ्वी का चक्कर लगाया था। हालांकि उसकी मौत की असली वजह कई साल बाद सामने आई। शुरुआत में लाइका की मौत के कारण को छुपाया गया था और अलग अलग तरह की कहानियां बताई गई थी। कुछ का कहना था कि उसने बेहोशी का कैप्सूल खा लिया था, कुछ का कहना था दम घुटने से उसकी मौत हो गई थी। लेकिन 1993 में रूस के स्पेस रॉक ट्रेनर और डॉक्टर ओलेगी गजेको ने खुलासा किया था कि स्पेस शिप जल्दबाजी में बनाया गया था, उसमें तापमान नियंत्रण सिस्टम सही से नहीं लगाई गई थी। उन्होंने कहा था अंतरिक्ष की 4थी कक्षा के बाद स्पेस शिप के अंदर तापमान 90 डिग्री से अधिक हो गया था। स्पुटनिक 2 5 महीने तक बिना यात्री के परिक्रमा करता रहा। 14 अप्रैल 1958 को जब वो धरती पर लौटा तो विस्फोट के बाद लाइका के अवशेषों के साथ टुकड़ों में बट गया।